औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपका टीचर इंजीनियर कलीमुल्ला, डायरेक्टर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटखल मलाकम से आपको मुखातिब हूँ। और आज मैं हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 10 के साथ। और लेक्चर नंबर 10 में हम पाइथन का दूसरा टॉपिक सीखेंगे और वो है पाइथन वेरिएबल। वेरिएबल इज़ एनी क्वान्टिटी विच चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वो क्वान्टिटी जो प्रोग्राम को चलाते वक्त वो अपना कीमत ख़त्म कर देता है, तब्दील करता है, तो उसको वेरिएबल कहा जाता है। ये इंग्लिश में भी आपने देखा होंगे कि वेरिएशन, वेरिएशन मीन तगैर, वेरिएशन हम कहते हैं कि ये पला बनना जो ये वेरिएबल है, मीन के किसी टाइम एक बात करते हैं, दूसरे टाइम दूसरी बात कर देता है। तो वेरिएबल की भी प्रोग्रामिंग में वही हैसियत है कि जो अपनी वैल्यूज को चेंज करता है, या वेरिएबल की हम दूसरी माने और जो एग्जैक्ट और इसकी सही डिफिनीशन है वो ये है कि ये वेरिएबल जो है ये मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम किसी वीडियो को स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप पानी लेते हैं, पानी को आप स्टोर करते हैं, आप जग में उसको स्टोर करते हैं, आप गिलास में उसको स्टोर करते हैं, किसी कूलर में उसको डाल देते हैं। तो ये जिस तरह जग और ये कप और ये गिलास हो गया कि वो पानी को स्टोर करता है, तो इस तरह डेटा को स्टोर करने की जगह को कंप्यूटर में वेरिएबल कहा जाता है। वो जगह जहाँ पे ये डेटा स्टोर होता है तो उसको वेरिएबल कहा जाता है। और डेटा को स्टोर करने के लिए आपने वेरिएबल को क्रिएट करना है, वरना आपके पास डेटा स्टोर नहीं होगा। अभी किस तरह करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो ये एक्स जो है ये एक वेरिएबल है जिसको हमने 5 वैल्यू असाइन कर दिया। अभी ये एक्स नहीं रह गया, ये अभी इसकी वैल्यू 5 हो गई। इसी तरह वाई इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो अभी ये वाई नहीं रह गया, ये अभी हेलो वर्ल्ड हो गया, क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड को वाई में कन्वर्ट कर दिया और 5 को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। तो आए देखते हैं इसकी हम प्रैक्टिकल कर देते हैं। इसके लिए मैं आ गया पाइथन के सॉफ्टवेयर को खोल दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 10। ये अभी 10 इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और एक्स क्या ही वेरिएबल है। और फिर मैंने कह दिया कि वाई इज इक्वल टू ब्राइट फ्यूचर। फिर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एक्स, एक्स को प्रिंट कर ले। जब मैं एक्स को प्रिंट कर लूँ तो एक्स में वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये 10 को प्रिंट कर लेगा। ठीक है, अभी जब मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया तो ये देखिए आपको अभी नज़र आ रहा है कि इसने 10 को प्रिंट किया। अगरचे मैंने इसको बताया कि प्रिंट एक्स, एक्स को प्रिंट कर ले, लेकिन अभी तो ये एक्स नहीं है, ये 10 है, क्योंकि ये 10 वैल्यू जो है ये एक्स में स्टोर हो गई। इस तरह जब मैं लिख दूँगा कि प्रिंट वाई, तो वाई में अभी क्या वैल्यू स्टोर है, ब्राइट फ्यूचर, तो उसने ब्राइट फ्यूचर को डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारे पास मैंने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया और साथ में उसका प्रैक्टिकल भी कर दिया। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो हमारे पास आता है वो पाइथन कमेंट्स हैं। कमेंट जो है ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन ये प्रोग्राम के बारे में हमें कोई तफसील फराहम करता है, और ये हर एक लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। पाइथन में जब हम कमेंट लिखते हैं तो उसके लिए पहले आपने हैश का सिंबल लगा देना है। हैश का सिंबल लगाने के बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो कमेंट में आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल भी हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, इसलिए मैं पाइथन के एडिटर पे आ गया। यहाँ पे मैंने हैश का सिंबल लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम टू माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। देखिए ये अभी ना प्रिंट हो गया ना इसने कोई आंसर दे दिया, क्योंकि ये अभी हैश के साथ आया है, तो ये हमें किसी हमें ये बता रहा है कि आपने किसी प्रोग्राम के बारे में कोई तफसील लिख दी। तो जब हम हैश लगा देते हैं तो ये कमेंट का पार्ट शुरू होता है, और कमेंट का मतलब ये है कि आप किसी कम्प्लेक्स प्रोग्राम के बारे में कोई अपने साथ उसका कोई
नोट लिखते हैं या उसको आप जाहिर करते हैं कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे इस वजह से लगाया है कि यहाँ पे इसकी ये ज़रूरत थी। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उस पर तबसरा लिखने के लिए हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ लर्न किया होगी। तब तक दीजिए इजाज़त अपने टीचर इंजीनियर करीमुल्लाह को। अल्लाह हाफिज़।